नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 4 साल पहले आप देखेंगे तो ये स्टॉक 29 पैसे का हुआ करता था और आज की डेट में देखेंगे तो 20 पैसे का डिविडेंड कंपनी दे रही है। दोस्तों, एक पैनी कैटेगरी का स्टॉक हुआ करता था 2020 में, उसके बाद से स्टॉक ने जब दौड़ लगाना चालू किया तो 93 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों, काफ़ी मुझे बेहतरीन लग रहा है। हालांकि मार्केट में काफ़ी प्रेशर है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की और संभावना लगती है। दोस्तों, उन सब सारी पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे। अगर आप देखेंगे तो 16 से 17 हजार% का रिटर्न कंपनी ने 4 से 5 सालों के अंदर अपने निवेशकों को दिया। जिसने भी 4 साल पहले यहाँ पे पैसा लगाया, दोस्तों माला माल होता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को जानेंगे, फंडामेंटल को जानेंगे, चार्ट पे लेके चलेंगे, सारी चीजों को एक एक करके बारीकियों से देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक ही विनती है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सैमको और आईएफएल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक जबरदस्त तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हमने लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स का चुनाव किया हुआ है, इसके बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करेंगे। अगर हम इसके दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाऊं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कमी आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल रहा है और मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा खासा प्रेशर है। आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, सब मार्केट यहाँ पे तबाही आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हम वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाएं तो देखेंगे दोस्तों जबरदस्त आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर सेल्स हो, जंप आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए कंपनी के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी की स्थापना 1974 में की गई थी। लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, तेल और गैस, इस्पात संयंत्रों, बिजली संयंत्रों, परमाणु संयंत्र के विनिर्माण और कमीशनिंग के कार्य में लगा हुआ है। दोस्तों, ये चार क्षेत्र में कार्य करती है। पहला है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, दूसरा है इस्पात क्षेत्र, तीसरा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और चौथा है समुद्री क्षेत्र। अगर हम इनके प्रमुख ग्राहकों की बात करें तो जिसमें आप कोचीन सीपीआर, गोवा सीपीआर, भारत पेट्रोलियम, कोरोमंडल, गेल, फिनोलेक्स, इंडियन ऑयल, एचपी, आदित्य आदि बड़े नाम आपको शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर हम इनके विनिर्माण सुविधाओं की बात करें तो कंपनी की 5 सुविधाएं मुरबाड़, ठाणे में स्थित हैं, जो कि एक दूसरे से सटी हुई देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर हम इनके राजस्व की बात करें तो देखेंगे तो बिजली से 40% का, स्टील से 38% का, सिविल से 8% का, कार्बन से 7% का तथा अन्य से 7% का राजस्व अर्जित होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूं 86.75 का है, सेकंड रेसिस्टेंट की बात करें 87.88 का है, थर्ड रेसिस्टेंट की बात करें 92.00 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं 81.50 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 77.38 का है, अगर हम वहीं पर थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 76.25 का देखने को मिल रहा है। अब एक नजर सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 डेज 10 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, पर 20 डेज 50 डेज 100 डेज 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये काफी बेहतरीन साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर कंपनी के फंडामेंटल को ऊपर डालेंगे तो सबसे पहले कंपनी की वैल्यूएशन को जान लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं 9,809 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 111.00 का है, डिविडेंड यील्ड 0.23% का है, बुक वैल्यू की बात करें 3.59 का है, फेस वैल्यू 1 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 23.86 का है, आरओसी की बात करें 24.29% का है, आरओई की बात करें 19.42% का देखने को मिल रहा है। तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नजर इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 1 वीक में लगभग 14% यहाँ पे निगेटिव रिटर्न है, 1 महीने की बात करें तो लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीनों में लगभग 26%, 6 महीनों में 64.5%, 9 महीनों की बात करें तो लगभग 67%, बीते 1 सालों में
63% और दो सालों की बात करें तो 457%, बीते तीन सालों में 2394%, चार सालों की बात करें तो 9545%, अगर वहीं पे पांच सालों की बात करें 16377% का रिटर्न लॉयड स्टील ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। अब एक नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग बटन को ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं 57.25% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 0.14% की होल्डिंग है, FII की बात करें 2.12% की है, FII की होल्डिंग यहां पे बढ़ी है, DII की सेम है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 40.46% की होल्डिंग है, अदर की बात करें तो देखेंगे तो 0.03% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, तो दोस्तों काफी बेहतरीन तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों ये इसका रेसिस्टेंट हुआ करता था, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस कैंडल पे आप देखेंगे 30 अप्रैल 2024 को स्टॉक ने 73.20 रुपए का हाई लगाया था, उसके बाद से आप देखेंगे तो कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली थी। फाइनली जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो एक जबरदस्त तेजी, अगर मैं यहाँ के हाई की बात करूं तो आप देखेंगे 93.40 रुपए का हाई लगा है। अभी मार्केट के अंदर भी काफी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही, तो दोस्तों मुझे लगता है ये स्टॉक 70 से 72 रुपए के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, वहां से इस स्टॉक के अंदर आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी इसमें आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप यहां पे देखेंगे दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत किया है, शानदार तेजी यहां पे लॉयड स्टील ने दिखाया है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों 16000% किसको बोलते हैं, क्या चार साल पहले जिसने भी निवेश किया मालामाल यहां पे हुआ। तो दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।